आम श्री वाहे गुरु साहिब जी राग सूही संत महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन बावरे तू काए देख पुलाना सुन बावरे नेहु कूड़ा लायो कसुंब रंगाना सुन बावरे तू काए देख पुलाना सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कसुंब रंगाना कूड़ी देख पुल्लो अड लह ना मुल्लो गोविंद नाम मजीठा थी वह लाला अथ गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोह मगन थी रहया झूठ संग लपताना नानक दीन सारन कृपा निद राख लाज भगताना मिथ्या मोह मगन थी रहया झूठ संग लपताना नानक दीन सारन कृपा निद राख लाज भगताना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गाव रखो शर्म असाड़ी जी सतगुरु पातशाह जी साजी सवारी सत्संग जीओ अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरों की बख्शिश होई है साधरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भय हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए। इस पावन स्थान नू सतगुरां दी चरण शो प्राप्त है। इथे बैठ के उन्हां ने रब्बी जोत जगाई बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै शब्द दी जोत उसका प्रकाश लैण वास्ते असीं हाजिर होए हां। शब्द विचार दा इक ही अर्थ है जिवें कोई कहे मैं शहर विच विचर आया
विचरण का अर्थ की है, एक एक कोने नू फिर के वेखे है। शब्द का विचार है, शब्द एक एक कोने विच सुरत रच जाए। विचार है एक एक अखर नू वेखना, विचारना। अज शब्द दे विचार करनी है, जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने अमृत वेले सचखंड हरिमंदर साहब विखे बख्शिश किया। संत है राग सोही सन महला पंजवा घर पहला। संत एक काव्य दी बन गई है। आप नूं बेनती करां, बहुत बन गई हैं संतां दियां, पर लिखे संती ने। जाप साहब का पाठ जिहड़े सज्जन नितनेम नाल करदे होण, आप नूं पता है 22 संत हैं। कई दो दो वरी आए बन गई हैं उन्हां दियां, जैसे भुजंग प्रयात संत है शांति चाचरी छंद, तेरा जोर चाचरी छंद। सतगुरां ने दीर्घ दबंगे छंद, इस छंद श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो आए हंसगत। सवेरे सवेर जो आसा दी वार विच कीर्तन सरवण करदे हो, इन्हां संतां नूं काव्य रचना वाले कहा सुगीत गा छंद। अज साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी उन्हां दा उच्चारण कीता होया छंद। ये विचारना है आम करके, जो नियम है काव्य अनुसार उते है कि छंद दे चार चरण चार बंद हुंदे हन, लेकिन सतगुरां ने इस नियम नूं पासे करके विचार कित्थे पूरी हुंदी है, इस गल नूं मुख रखिया है। पातशाह ने संखेप मंगल पहले कीता है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, ओंकार जो करता पालन वाला हरता, करता कर है हरता हर है, परमात्मा है सर्वात्म है, वो एक है। प्राप्ति किस तरह होंदी है, सतगुरु की कृपा द्वारा। अगे संत शुरू होंदा, भाई साहब नूं बेनती करांगा पंक्तियां दा पाठ करो, अर्थ विचार करिए जी। हां जी, सुन बावरे तू काए देख पुलाना। सुन बावरे, बावरे कहंदे ने झले नू, झले सुन, पागल बंदे सुन, बावरे सुन। संसार विच जिन्ना दे दिमाग नहीं कम करदे, उन्हां नू कहने पागल। दिमाग हिल गया, अखां हैं लेकिन की वेखना है की नहीं वेखना है पता नहीं। जुबान ठीक है लेकिन बोलना की है ये पता नहीं। वेखो रब दी कुदरत, हाथ पैर सब कुछ ठीक होण, मैं सब वेखिया, हाथ कटे होण तां भी बंदा घर च रह सकता, पैर कटे ने बंदा घर च रह रहे है, अखा नहीं नेत्रहीन घर च रहिंदे ने, गूंगे घर च रहिंदे ने, बोले घर च रहिंदे ने, लेकिन पागल दा घर च रहना बड़ा मुश्किल है। उस नूं पागल खाने भेजना पैंदा, क्योंकि पागल दा पता नहीं की कर देवेगा, उस तो हमेशा खतरा है कि दिमाग हिल गया। पागल क्यों पागल है, थोड़ी जी विचार अपने सांझी करा। एक विचार ही दिमाग च घूमदी जाए, वैसे नशे करने वाला बंदा भी थोड़ा जे पागले भी हो जाता। तुसी कदी अंदाजे जे बैठे होवो ना कदी कोल, दूरों में वेख्या होवे इस दृष्टि नाल, निश्चयी बंदा एक गल नूं वार वार करी आउंदा। सूफी होवेगा नहीं करेगा, वह क्यों करी आउंदा पता है क्यों,
नशा ते गया पेट विच ते खून विच लेकिन असर होया दिमाग ते, दिमाग हिल गया। पहलो जबान लड़खड़ाउण लग पैंदी है, उहदे कोलों गल ठीक नहीं हुंदी, फिर जे बोलदा एक गल नूं वार वार करी जाएगा ते पागल वे, एक विचार वार वार दिमाग च घूमदे जाए ते पहले नींदर उड़ जाएगी, फिर बंदा पागल हो जाएगा। हुण ए पागल ते पागलखानिया विच ने ते बड़े थोड़े ने, पर गुरु साहब ने ते कहा जगत ही पागल होया। मैं एक प्रमाण तुहानूं सुणावां, वह कहते ने माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया, तंदा करत्या नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन नम साया, बिन नाम जग कमला फिरे गुरमुख नजरी आया। नाम तो बिना जगत कमलिया वर्गा फिरदा, हुण है जगत कमलिया नाल भरे आ, पर कोई एक सियाणा पैदा हो जाए ना जिथे गल होवे बहुत समते दी, सौ बंदा आखे पागल, सियाने नूं पागल कर देणगे, फड़के जेले डक सकते ने, पागलखाने भेज सकते ने। बंदा पागल, कबीर साहब कहिंदे ने मैनू कहिंदे ने पागल, लोग कहे कबीर बौराना, कहिंदे ने मैं क्यों पागल हां, यह कहिंदे ने एक गल ही वार वार करदा, भाव रब का नाम ही लई जांदा, यह पागल एक गल ही, बस होर गल ही कोई नहीं। केवल कबीर का मर्म राम पहचानना, रब मेरा भेद समझदा कि मैं पागल हां कि जगत पागल। गुरु नानक देव जी कहिंदे ने मैनू बौरा कहिंदे ने लोके, तुहानूं इतिहास याद होवेगा नहीं तो मैं दोहरा दिया। एक बार कट्ठा हो के सौरा परिवार सुल्तानपुर गया, एक पंडित नाल होया, एक मुल्ला होया, कुछ तो कहन लगे गुरु नानक देव पागल हो गए, कुछ कहन लगे इन्हां नूं भूत चिंबड़ गया, वह मुल्ला भूत कढ़न चला गए, ते कट्ठे हो गए सुल्तानपुर वाले, आओ नानक दा भूत निकलन लगा जी वेखिए तमाश पीण सारे। उन्हें गुगल जहा तुहार के जो नक अगे किया, साहब हस पै कह लगे फिटकार तेरे जीवन नू, त्रिक तिना का जीव आ जे लिख लिख वेच नाओ, खेते जिनकी उजड़ी खलवाड़े गया थां। कह लगे अपना भूत तो पहले कढ़ ला, मेरा भूत कढ़न वास्ते आ गए हैं। पया दीवाना शाह का नानक बौराना, कह लगे तू तो आप ही भूत है, तू दूसरिया के भूत के कढ़ने, तू तो आप ही भूत है। मैं बौराना जरूर हाँ पर परमात्मा दा, हुण विचार नूं संखेप करके इंज कहां, जिहड़े माया दे पागल ने वार वार इक्को गल माया 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 माया, दूजी गल ही कोई नहीं। गुरु साहब कहिंदे ने पागल बौराना, कहिंदे ने सुन बावरे, सुन भाई साडी गल ध्यान नाल सुन, सुन बावरे तू काए कादे वास्ते, देख भुलाना वेख के भुल गए हैं, बेखंदड़ों की भुल तुम्मा दिसम सोहना, यह वेखण की भुल है तुम्मा भी खरबूजा जापता। कहिंदे ने हरन भुल जांदा है मारू थल ते, वह कहिंदा पानी है दौड़दा पानी ली जापदा, पानी है नहीं, हरनी नहीं भुलदा तोता भी भुल जांदा। जैसे सिंबल देख सूआ बिगसाना, अंत की वार मुआ लपटाना, सिंबल रुख है बहुत उच्चा, यह कहिंदा उच्चा है तेनू फल भी सब तो चंगे इसे देने, उच्चा वेख के जा बैठा, चुंज मार बैठा, वह चुंज फस गई सिंबल दे विच, उत्थे ही मर गया। बंदा भी वाकई माया नूं चुंज ते मार बैठदा, इत्थे ही मर जांदा, चुंज फस जांदी, किदे निकली अज तक। कहिंदे ने तू भुल गया, सुन बावरे तू काए देख भुलाना, तू ते बंदा तेनू ते रब ने अकल दिती मत दिते, तू किस वास्ते भुल गया है। हां जी, सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना, सुन बावरे चले सुन,
ਇਹ ਨਿਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੂੜਾ ਨਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕੁਸੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬਾ ਫੁੱਲ ਐਸਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੋੜ ਲਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸੰਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਫਟਾਫਟ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਢਲਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਗਤ ਇਹ ਤੇ ਕੁਸੰਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੂੜੀ ਦੇਖ ਭੁੱਲੋ ਅੱਡ ਲਹਿ ਨਾ ਮੁੱਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਹਿਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜੀਠ ਹੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨਸ ਨਿਦਾਨ ਨਿਦਾਨ ਓੜਕ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜਾ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ਮਜੀਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਕੂੜੇ ਦੇਖ ਭੁੱਲੋ ਅੱਡ ਲਹੇ ਨਾ ਮੁੱਲੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਕਿ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਡੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੂਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਘਰੋਂ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਪਟਵਾ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਪਟਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਰਗੜੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਏ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 7 ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਕਰ ਦੇ 50 ਤੇਰੇ 50 ਮੇਰੇ 50 ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਈ 50 ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅੰਤਨ ਸਮੇਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੌਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਨਾਮ ਹੈ ਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਨਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੰਗਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਗਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਭੁੱਖੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਨੋਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਾਂ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੂਣ ਅਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੂਣ ਅਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣੋ, ਜੈ ਮਹਾ ਬਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜੈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜਿਆ ਕਰਖਾ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਉਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਘਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਮ ਰਹਿਣਾ ਬਸਣਾ, ਸੋ ਘਰ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇਠ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਹੇ ਲਾਲਾ ਅਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ, ਥੀਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਲ, ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ,
गुरु दे शब्द नूं जे पछाण लवे, गुरु दा शब्द मिठा लगे। हां जी, मिथ्या मोह मगन थी रहया, झूठ संग लपताना। मिथ्या मोह दे नाल मगन हो रहा है और झूठ दे नाल चिंबड़िया पै। कुछ विद्वाना दी ते रहा है कि बंदा झूठा च इना रच मच गया है कि झूठ छड़ने बड़ी मुश्किल, जीवन का आधार बन गया। झूठा दे नाल एक मिक हो रहा, रचया मचया पिया है। हाँ जी, नानक दीन सारन कृपा निद, राख लाज भगताना। साहब कहंदे ने मैं ते दीन हां, तुहाडी शरण विच हां। हे कृपा दे खजाने, भगतां दी लाज रखदा है, मेरी भी लाज रख। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाथ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद पराया। भगतां दी लाज रखदा मेरी भी लाज रख। हां, सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना। से चले सुन, प्राणा दा नाथ जिंद दा मालक, उस नूं सेव, वो तेरा मालक है, उस दी सेवा कर। उसकी सेवा है सिमरन, उसकी सेवा है करतार दी याद, संसार दी सेवा। परमात्मा नूं हर थां वेख, उस मालक नूं सेव जो प्राणा दा मालक है, जिंद दा मालक है। हां जी, सुन बावरे जो आया तिस जाना। सुन भाई चले, इत्थे सदा थिर कोई, जो आया उसने इत्थो चले जाना। आउना ही दसदा पिया कि तुर जाना है। तेरे आगाज से साबित तेरा अंजाम भी, सुबह का होना बताता है कि होगी शाम। भाई नंद लाल साहब फरमाउंदे ने, मां सुबह ना देदम के ओ शाम ना दारद। मैं अज तक वो सवेर नहीं वेखे जिसके मगर शाम ना हो, वो दिन नहीं वेखिया जिसके मगर रात ना हो, वो जन्म नहीं मैं अज तक वेखिया जिसके मगर मौत ना हो। जो आया उसने इथो चले जाना है। हां जी, निचल अब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है। परदेसी मेरे जीड़िया, परदेसिया कित पवे जंजारा राम। ए परदेसी, ए तेरा देश नहीं, देश तेरा कोई होर आ। तू मगन हो रहा इस देश विच, लेकिन ए ते मिथ्या मोह नाल तू चिबड़िया होया। जो आया तू चले जाना, तो तू निश्चल मन रहे। हब दर्थ है सारे, वैसी दर्थ है चले जाना। जो आया सो चल से, सब कोई आई वारी आ। निचल हब वैसे सुन परदेसे, देश तेरा ये नहीं, उस देश का फिक्र कर। संत संग मिल रही है, रहना ही तो एक ठिकाना है। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो घर राख वड़ाई तोए। एक बचन याद रखे हो, परमात्मा रहेगा, उदा नाम रहेगा और सत्संग सदा वास्ते रहेगी। नाम जपन वाले रहनगे, नाम रहे हो साधु रहे हो, रहे हो गुर गोबिंद। कहो नानके जगत में किन जपियो गुरमंत। कदों दा हो गया ध्रुव, युग बतीत हो गया पर काल नहीं खा सकया ध्रुव, अज भी कायम। प्रहलाद नूं होया किन्ने देर हो गई पर अज भी कायम। कहंदे ने संत संगत मिल रही है, रब दे प्यारियां दी संगत विच मिलके रहना चाहिदा है। हर पाईऐ भागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। सुन पर बैरागी होके, बैरागी
बरागी दा की अर्थ है, बूझ बराग करे जे कोई जरा मरन दुख फेर ना होए। संसार नु गुजरान समझना, जंजाल ना बनन देना, गुरमत दा ही बराग, रहना विच रहना उचे, संसार दे विच रहना, ग्रस्त विच रहना, ग्रसे नहीं जाना कि माया खा ना जाए, रहना निराले। लोड़ अपनी समझनी है, जंजाल नहीं बनन देना। एने ने सुन, वरागवान होके सुन, प्रभु दे चरना नाल जोड़, हर पाई है पागी, वड्डे पागा नाल रब मिलदा, सुनदा रागी, चरण प्रभु गह रही है, हमेशा प्रभु दे चरना नू पकड़ के रख। सियाने विद्वाना दा कथा ना, वो कहंदे ने जे तू काम भी करना ना, एक हाथ नाल काम करे ते एक हाथ रब दे चरना नू रख। गल ते बड़ी सोहनी है पर बंदा उल्ट करदा। ये कहंदा एक हाथ नाल ते ओ फड़ के रखा जाएगा जो पहले कमाया, जे कुर्सी है ते उन्हू फड़ा किते निकल ना जाए, तन है ते उन्हू फड़ा, एक नाल कमावांगा ते एक माया नू पावांगा। वो कहंदे ने नहीं, एक हाथ नाल रब दे चरण फड़ ते एक हाथ नाल काम कर। एक हाथ तेरा केड़ा शरीर, शरीर नाल किरत कर, ते दूजा हाथ है तेरा मन, मन प्रभु दे चरणा विच टका, मन नाल प्रभु नाल प्रभु दे चरणा नू ग्रहण करके प्रभु दे चरणा नू फड़ के रखना चाहिदा है। हां जी, एहो मन दीजै संक ना कीजै, गुरमुख पज बहु माना। ये मन दे देना चाहिदा, भेटा कर देना चाहिदा, शंका नहीं करनी चाहिदी, गुरु दी शरण पै के जिहड़ा बहुत सारा हंकार इकट्ठा कीता, मान इकट्ठा कीता, इह तज देना चाहिदा। एक बेनती जरूर करा, आए हो शरदा नाल आए हो, बड़ियां आसां लैके आए हो, सरोवर विच जदों भी चुबे लगाउणी है ना, एक भावना बन जाए कि दातिया एक कृपा कर, तन ते शीतल होवेगा, मेरी होमे दी मैल भी इत्थे ही उतार दे, मेहर कर। जिहड़ा कहे ना रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, सच है। कदी ये ध्यान आ जाए ना, तेरे सरोवर विच आया, जन्मा जन्मा दी मेरी मैल उतार दे, मेरे ते कृपा कर, मेरे ते बख्शिश कर। वैसे ना करना ते बहुत कुछ है, पर थोड़ा जे करके मुड़ जाने हैं। वो करना की है, मैं आपका ध्यान उस पासे दवावा। एक बारी ऐसा होया, कहंदे ने आकाशवाणी होई कि जिन्ने तुहाडे कोल दुख ने भाई, पंडा बनो ते बाहर सुते आओ, ते सुखा दियां पंडियां पईयां ने चुक लिया। लोकी दौड़े, जिन्नियां पंडा सन्ना वो सुटाए, ते सुख दी पंड जिन्नी चुकी जांदी सी चुक लिया। वैसे तुहानू अर्ज करा, इत्थे भी असीं आए हां सुखां दियां पंडा लैण वास्ते। दुकान ते की करन जांदे हो? सुख दी पंड लैण लई। व्यापार किस लई? सुख दी पंड घर लिया वा। किसान क्यों खेती बेचदा? सुख दी पंड घर लिया वा। कोई व्यापार करदा, नौकरी क्यों करदा? टाइम नाल जमा, सुख दी पंड घर ले आवां, दुख दी सोटा वां। डॉक्टर वैद कोल क्यों जांदे हो? सुख दी पंड ले आवां, दुख छड आवां। लिया है हुण, रब ने सुख दी पंड दित्ती सी कि इच्छा पूर्ण होवेगी। आ रहे आया, इच्छा होई, महल बन जा। हुण महल भी बन गया, घोड़े भी आ जा, अज समझो कारां आ गईयां, सब कुछ आ गया, बड़े खुश। पर मैं सुन के हैरान होया कि एक मिनट विच सारे दुखी हो गए। फिर वो दुख का कारण की? जदों वेखिया ना, जरा बाहर कहन लगे, ओहो गुआंढी का भी एडा ही बन गया, मेरा तो बनया, गुआंढी का भी बन गया, वो दूसरे का भी बन गया। सच ये है, जो मेरे घर है ना, सारियां दे हो जाए तो बंदा दुखी हो जाएगा, दुखी होगा। बंदा अपने दुखा करके इन्ना दुखी नहीं जिन्ना दूसरे के सुख वेख के दुखी होंदा। एक अर्ज होर करा, दुख वेले
पहुंच जाने हैं। कहने मियां सुख वेले जाओ ना जाओ, दुख वेले जरूर जाओ। वो दुखी होवे ना, हम दर्दी जरूर प्रगट करने हैं, पर अद्धा कम जे पूरा उस दिन होवेगा जिस दिन कोई सुखी भी होवेगा, उस दिन वेख के खुश हो जाइए सुखी होया दाता तेरी मेहर। एदा घर चंगा मैं खुश हां, इसका बच्चा चंगी नौकरी तो लग गया मैं खुश हां, इनू इज्जत मिल गई मैं खुश हां। नहीं, बंदा दुखी होवेगा। एक कथा इथे नहीं मुकदी, कहंदे ने एक दरवेश बैठा सी, उनू कहा तू नहीं जाना दुख दी पंड सुटन, कह लगा ना मैं नहीं जाना। क्यों? कहन लगा मेरे को दुख है ही कोई नहीं, पंड ही कोई नहीं, तो मैं की सुटन वास्ते जावा, अपने को है ही नहीं। वो कहन लगे सुख ही ले आ, कहन लगा वो भी लोड नहीं। क्यों? कहन लगा सुख दी पंड नू की करांगा, सुखां दा दाता ही हिरदे च बैठा हो है, वो ही वस्या होया, ते मैनू कहदा दुख है पाए, आपां ना किते जाना ना आउना, दुख दियां पंडां खुलियां सुख ना निकलियो को। हैरानी दी गल है, बंदे नू रब वार वार सुख देंदा, गुरु वार वार सुख देंदा, हजारा वारी देंदा, फिर दुखी हो जांदा। कारण की है? इनू सच सुख दा नहीं पता। गुरु साहब जी कहंदे ने आ तेनू सुख देवा, पर ये सोचदा इथे कहा जांदा तन भी दे दे, मन भी दे दे, धन भी दे दे, शंका आउंदा। इहो शंका हर गोपाल नू आया सी, बड़ी लंबेरी साखी कि गुरु साहब नू 500 रुपया भेटा करां कि ना करां, बाप ने भेजिया सी, कीता शंके विच, शंका ही लैके घर तक तुर गया। गुरुद्वारे आउणा है शंका मिटाउण लई, शंके लैके नहीं जाना, बाणी पढ़नी है शंके मिटाउण लई। गया ते बाप ने गल कही, कबीर साहब दा श्लोक पढ़िया, बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। जे घर माल वो लै गया जेड़ा दुनिया दा नाम उसते वटे दे दिता, कदी कदी रब दे प्यारे ऐसे मिलते ने उन्हां दे सामने इंज हो जाने भाई परमात्मा कृपा करे मैं तो इहदी चरण तोड़ी नहीं, ये मिल जाए तो मत्थे नूं ला लो। कैंप लगा सी एक थां, भाई आओ बाणी पढ़ांगे रोग सारिया दे मुक जाणगे। एक सज्जन केवल मिलिया, मैनूं हिला के रख दिता, क्या तू नहीं गया तेनू भी रोग है? कह लगा ज्ञानी जी मिट्टी दे ढेर बदले मैं सुखमणी वर्गा हीरा नहीं गवाउणा, मिट्टी दे ढेर बदले। ये शरीर ते नाल नहीं जाना, कल नूं संस्कार हो जाएगा, इहदे वास्ते नाम खर्चदे आ ते दुनिया बचा लवां। खर्चा ना, खर्चा सुखमणी, सुखमणी ते मेरे नाल जाना, बाणी ते मेरे नाल जानी है, नाम ते मेरे नाल जाना। जिहड़ा कम मेडिसन नाल हो जाए, होर तरह हो जाए, उहदे वास्ते नाम खर्चदे आ। वैसे शंका यही है कि गुरु सारा कुछ लै ना लवे। गुरु साहब कहंदे ने कुछ नहीं लेना, पहली गल तेरे कोल है ही कुछ नहीं, देवेगा की? कुछ नहीं तेरे पल्ले, शंक ना कीजा। कहंदे ने मन दीजा शंक ना कीजा, गुरमुख तज बहुमाना, गुरु दे शरण पै के हंकार छड़ दे। हंकार ही छड़ना, धन नहीं छड़न दी लोड़, धन दा गुमान छड़ दे, मन मर्जियां छड़ दे, मन दा गुमान छड़ दे, तन का गुमान छड़ दे, तन का गुमान छड़ दे तेरा नहीं। मैं पंक्ति एक पढ़ दिया, हंकार करने शरीर दा, शरीर साडा नहीं, सानू मिले है दान विच, तन मेरा नहीं मिले है दान विच, ए मन भी मेरा नहीं मिले है दान विच, आपन तन नहीं जांको गरबा, राज मिलके आपन नहीं सरबा, आपन नहीं कांको लपकायो, आपन नाम सतगुर ते पायो, अपना केवल परमात्मा का नाम। गुरु साहब नाम छड़न लई तो नहीं कहते, ये तो नहीं कहते बाणी छड़ दे पढ़नी, ये तो नहीं कहते शुभ कर्म छड़ दे, यही कहते ने अवगुण छड़ दे, बुरियाइयां छड़ दे,
होमे छड दे हंकार छड दे। हां जी नानक दीन भगत भाव तारण तेरे क्या गुण आख वखाना। कहंदे ने दीना नू पव जल तो तारन वाले भगतां नू तारन वाले तेरे गुण बहुत ने केड़े केड़े आखां केड़े केड़े दा आख के बखियान करां। एक छोटी जी कथा याद आ गई। एक बादशाह ने पूछया एक सियाने दरवेश नू कहन लगा रब दे किन्ने क नाम ने कुल मैनू सारे नाम दस मूह मंगया नाम देवगा। कह लगा जी 15 दिन दियो। 15 दिन बाद आया कह लगा जी 1 महीना होर दियो। महीने बाद आ गया कह लगा ना सारे दसांगा 2 महीने होर दियो। फिर आया कह लगा 4 महीने होर दियो। कह लगा सुन तू अगे नू जा रहे कि पिछे नू जा रहे जदों आना दूना टाइम मंगना। कह लगा करां कि जिन्ने क नाम गुण मैं उदे याद करना उस तो दूने होर आ जांदे कौन गिनेगा। साहब कहंदे ने तेरे केड़े केड़े गुण आखां तेरे कमन कमन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निदाना। गुणा दा खजाना है तेरे गुण गिने नहीं जांदे। हे दातिया केड़ा गुण आखां केड़ा गुण तेरा गिना गुण ते होर अगे आ जांदे हन। हां जी सुन बावर क्या कीचा कूड़ा मानो। कहंदे ने चले सुन की करना पया कूड़ा गुणा सारी उम्र हंकार करदे बता दित्ती सच ते है जो बंदा करदा पुछे ची तवजो देनी इस पासे जो करदा है ना इस सोचता या इकट्ठा करन नाल मैं उच्चा हो जावांगा दूसरे नालों वड्डा हो जावांगा ये सिर्फ अवमान है हंकार है कुछ भी नहीं। जो आसमान ना मावनी तिन नक नथा पाए आसमान विच नहीं सन मिलदे उन्हां दे नक चो नथा पा देंदा। कहत कबीर तै नर भूले खसम बसार माटी संग रूल कूड़ा हंकार कर रहे हैं। इस सच्चा गुमान तो हो ही नहीं सकता गुमान भी कदी सच्चा हो या? ये कूड़ा हंकार है झूठा है नासवान है जो करदा है ये कोई सता नहीं। हां जी सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो। हब दा अर्थ सारा वैसी चला जाएगा जिन्ना गर्भ है गुमान है ये सुन चले ये नहीं रहना क्योंकि हंकार जिसके आसरे तन दे तन नहीं रहना जे तन ही नहीं रहना तो तन का हंकार किवें रहेगा। तन ही नहीं रहना तो तन का हंकार कित्थे रहेगा। ये मन भी नहीं रहना मन का अगमान कित्थे मन का अर्थ की है मन मर्जियां ए नहीं रहना ए तेरे नाल नहीं जाना। हां जी निचल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा। करे जो निचल समझना है ते हब दर्थ है सारा ही जान वाला है जाना ये गुमान बिल्कुल मिथ्या। ऐसा कर जेड़े प्रभु दे दास ने संत जन तू उन्हां दा दास बन जा दासां दा दास बन जा सेवकां दा सेवक बन जा उन्हां दी चरण धूड़ लै मत्थे नूं ला। इस घर आने तो पहले एक घर चो गुजर के आंदे हो जिन्हों कहंदे हो जोड़ा घर। जोड़ा घर गुरु दा घर रब दा घर पहले तो जोड़े घर चो आए फिर अगे सो दर के हा सो घर के हा जित बह सर समान। अज तक मैं तो नहीं वेखया हयाती च तुसी वेखया होवे वखरी गल कि कोई मेहमान आया होवे रिश्तेदार आया होवे ते बंदा उन्हूं आखे जोड़ा ला झाड़ देया तेरा जोड़ा ते मत्थे नूं धूब लाऊं गल ना लगा लैंदे हो फतेह बुला लैंदे हो हाथ मिला ले कदी झाड़िया अज तक किसे दा जोड़ा इत्थे झाड़ रिश्तेदार भी कोई नहीं। सानू पता है साडा रिश्तेदार तो नहीं गुरु का रिश्तेदार है ते जेड़ा गुरु का रिश्तेदार है
वो मेरा गुर भाई है, वो मेरा भी रिश्तेदार है। ये गुरु दे रिश्तेदार दा जोड़ा है, ये गुरु दे सिख दा जोड़ा है। एक पिता एक से हम बार, तू मेरा गुरु हाए, सुन मेरा जियो हमारा बल बल जैसे प्रदर्शन देव दिखाए। कहने ने उन्हां दी धूड लाया, उन्हां दे कोल बैठ, उन्हां दा दास बन। जीवत मरिया भौजल तरिया बेथीला कर्म लिखे आसा। जेड़ा जीवंदा ही मर जाए, जीवत जे मर जाइए तो पवजल तो संसार तो तर जाएगा, पर उतरेगा ता जे थीवे हो जाए कर्म लिखे आसा। कर्म नाल पागा नाल मथे ते लेख लिखिया होवे। गुर से रीजै अमृत पीजै जिस लावह सहज ध्यान। सहज ध्यान जिसका लग जाए, सुनिया लागे सहज ध्यान, ध्यान जिसका लग जाए आत्मक अडोलता आ जाए। कहंदे ने गुरु नूं सेवना चाहीदा, ए अमृत नाम अमृत पीना चाहिदा, पर ए भी उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दा सहज ध्यान लगे, जिन्हां तों कृपा करे। नानक शरण पया हर द्वार हौ बल बल साध कुरबानो। साहब कहंदे ने मैं तो उसकी शरण विच पिया हां, उसके द्वारे ते पिया हां। बल दा अर्थ है बलहार, जान लले नूं जिथे भी सियारी आएगी इहदा अर्थ होवेगा बलहार। बल दा अर्थ तेज भी हुंदा, पर जिथे सियारी होगी उथे अर्थ तेज नहीं। मैं बल बल बलहार जांदा, सब कुर्बान जांदा हां। हां जी। सुन बावरे मत जाना है प्रभ मैं पाया। ये बचन बहुत ध्यान देण योग है। बंदा कई बार रब दियां गल्लां ही सुन के ना समझदा रब पा ले, घरी बैठे कथा सुन ली, कीर्तन सुन लिया, बड़ी मस्ती है, रब की गल सुनी है अजे तो समझ लिया पा लिया। बहुत वारी भुलेखा पैंदा, ये तो इंज ही है कि जिवें किसे तरन दियां गल्लां सुनिया ते तरना अजे आया नहीं तो सरोवर च वड़ जाए, उसका हाल की होवेगा। कहंदे ने इस संसार का कुछ पा के घर ते तू पा लिया, पदवी कोई पा ली, धन पा लिया, चतराई नाल चार गल्लां भी आ, पर मत हे बावरे झले इन्हां नाल मत समझी। मैं रब भी पा लिया, परमात्मा भी पा लिया। एक बार एक दरवेश ने बड़ी सुंदर गल कही सी, सिद्ध देवेगी सानू, पर जिन्हां ने पाउणा जिन्हां इस पासे चलना ध्यान दे। किसे जग्यासू ने कहा परमात्मा बारे कह लगा दो गल्लां ने, लै मैं तैनू दो फुल देना, एक फुल है इनू सुंघ लै ते रब दे बारे तैनू ज्ञान हो जाएगा, रब दे संबंध विच ज्ञान हो जाएगा। एक है कि तू ये दुनिया का ज्ञान ते भुल जाएगा, रब विच लीन हो जाएगा। वो कह लगा दूजा नहीं चाहिए, पहला ही ठीक है। केड़ा? मैं रब दे बारे जानना चाहना कि रब के है। वो कह लगे बस यही भुल हो रही, मैं समझना यही भुल है बहुत वड्डी। इहदा खुलासा कर दे, मिनट भी थोड़े रह गए। संतोख दे संबंध विच जानना होर गल है, संतोखी होना होर गल है। प्रेम दे संबंध विच किताबां को लिख देवे पढ़ लवे, ज्ञान इकट्ठा कर लवे, पर प्रेमी होना बिल्कुल होर गल है। रब दे संबंध विच हजारां ग्रंथ लिखे पए ने, फिर तो सुन के सारे ब्रह्म ज्ञानी बन जांदे। नहीं, इत्थे कुछ करना है। उन्हें गल कही सी, बेटा आ वेख, आई एक सरोवर ते आई नदी, नदी जा रही है अपनी मौत वाल, सागर मौत है, मिट जाएगी जाके पर सागर हो जाएगी। सरोवर सुरक्षित है, तुर नहीं रहा पर यह छप्पड़ बन जाएगा, गंदला हो जाएगा खलोता, पानी चल नहीं रहा। कह लगे तू दस छप्पड़ बनना या नदी बनना?
परमात्मा च मिल जा। इत्थे ते आ के बंदा ये कहे दातिया मैं इसलिए आया कि मैनू मिटा दे। गुरु दे श्री साहब नू इसे लिए कहा सी, उन्होंने एक गल याद रखो पाइया ने अमृत पान करके श्री साहब, उन्होंने कहा श्री साहब रखने नहीं ये तेज धार ते तुरना, खन्यो तिखे कृपाण पाउण वाला समझे, खन्यो तिखे वालो निके, ए मार्ग जान इस रस्ते ते मैं चलना। इथे ते आके कहना लै दाता मिटा दे, मैं आया मिटन वास्ते, मिटा ते मिटाएगा हों मैं। एक पास्यों जिउंदे मर जाइए वार वार दा मरना मुक जाएगा। पंक्तियां पढ़दे हां, सो गुर करो जे बौर ना करना, एवें वार वार गुरु बनाउंदे फिरना, एक ही बना लो। सो गुर करो जे बौर ना करना, सो ध्यान करो जे बौर ना तरना, सो पद रहो जे बौर ना रमना, ऐसे मरो जे बौर ना मरना। कहिंदे ने जीवत मरिए पौ जल तरिए, जिउंदिया मर जाइए ते पौ जल तर जाइए। ते सुन बावरे मत जानसा, प्रम पाया गल्लां नाल पा लिया, नहीं गल्लां नाल प्राप्ति नहीं हुंदी। हां जी, सुन बावर थियो रेन जिन्नी प्रभ ध्याया, बावरे चले उन्हां दी चरण धूड़ बन जा जिन्हां दे ध्यान विच प्रभु है। ध्याया दा अर्थ है ध्यान, चों होर कोई नहीं, पंचां का गुरे ध्यान, जिन्हां ने प्रभु नूं ध्याया है। जिन प्रभ ध्याया तिन सुख पाया, वड भागी दर्शन पाईए, इन्ना ध्याया उन्ना ही पाया, उन्ना वड्डे भागां नाल उन्ना दे दर्शन प्राप्त हुंदे हन। जियो निमाणा सद कुरबाना, सगला आप मिटाइए, हो जा निमाणा हो जा, अपना आपा मिटा देना चाहिदा, उन्हां तो कुर्बान होना चाहिदा है। हां जी, ओ धन भाग सुद्धा जिन प्रभ लद्दा, उन्हां दा भाग बड़ा चंगा भाग है, उन्हां दा पवित्र भाग है, उन्हां दा भाग शुद्ध भाग है, जिन्हां प्रभु नूं लभ लिया। लद्दा गुरमुख ढूंढ तो देंदे हां हर सज्जन, लद्दा राम राजे, जिन्हां प्रभु लभ लिया तिस पै आप विचाया, फिर प्रभु तो अपना आपा वेच देता। जिवें कहा गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आग्या मन में सहे, मन बेचा सतगुर के पास ते सेवक के कार्ज रास, अपना आपा वेच देता। हां जी, नानक दीन सारण सुख सागर, राख लाज अपनाया। कहिंदे ने दीना नू शरण देण वाले, गरीबां नू शरण देण वाले शरणागत, हे परमात्मा सुखां दा सागर है, मैनू रख, अपनियां नू हमेशा रखना, तू भगत वशल है, तेरे हां अपनियां च मैनू ही शामिल कर लै। असीं भी ये मंग एक ही मंगी है, दुनिया नू खुश करदियां ते बहुत कुछ कीता, यकीन जानना बंदे ने बाहर जदों हाथ जोड़दा ना लिलकड़ियां किसी अगे लैंदा, समझो चरणा ते सिर ही रख रहे। इस संसार वास्ते ते वार वार ये सिर वेचिया ने कुछ नहीं, तन ने ओ जिन्ना गुरु रामदास दे चरणा ते सिर रख दिता के लै दाता। कृपा कर अपनियां नूं रखना, ते इको गल मंगीए अपनियां नूं रखना है, अपनियां ते कृपा करना, ते मैनू भी अपनियां विच शामिल कर लै, जिहड़े तेरे अपने ने ना उन्हां विच मैनू भी रख लै, मैनू भी अपना बना लै, कृपा कर। कल एक हाजरी हो, सतगुरु जिवें बख्शिश करे, आखरी पंक्तियां पढ़िए समाप्ति करिए जी। हां जी, ओह धन भाग सुद्धा जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पहे आप विचाया, नानक दीन सारण सुख सागर, राख लाज अपनाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।